सपना तभी शहीदों का पूरा होगा जब हमारे यूथ चीजों को समझेंगे, क्योंकि यूथ अगर नहीं समझेंगे, यूथ के भरोसे उन्होंने झारखंड के सपने को सृजन किया था, तो यूथ को मैं चाहूंगा वे आगे आए, अगुवाई करे और झारखंड को नव झारखंड बनाए जहां पहले झारखंड की बात होगी। गोधर मोड़ स्थित शहीद नेपाल रवानी की 32वीं शहादत दिवस के मौके पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम शहीद की प्रतिमा पर उनकी धर्मपत्नी सावित्री देवी और पुत्र अजय रवानी, बिट्टू रवानी, पिंटू रवानी और उनके परिजनों ने फूलमाला चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वहीं श्रद्धांजलि सभा में झामुमो के केंद्रीय सदस्य सह झामुमो व्यावसायिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अमितेश सहाय, धनबाद विधायक राज सिन्हा, झामुमो के धनबाद जिलाध्यक्ष रमेश टुड्डू, जिला उपाध्यक्ष मुकेश सिंह, पवन महतो, राजेश जलान, मासस के पूर्व जिलाध्यक्ष हरिप्रसाद पप्पू, हरेंद्र चौहान, उमाशंकर चौहान, टुनटुन यादव, श्याम प्रसाद, राम प्रसाद, बजरंग रवानी, भूषण महतो, शंकर रवानी, समीर रवानी समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। सभी ने शहीद की प्रतिमा पर फूलमाला चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके जीवन पर प्रकाश डाला और कहा कि शहीद नेपाल रवानी हमेशा ही समाज में दबे कुचले लोगों की आवाज़ उठाने का काम किया करते थे। वहीं मासस के पूर्व जिलाध्यक्ष हरिप्रसाद पप्पू के नेतृत्व में दर्जनों मासस कार्यकर्ताओं ने गोधर मासस कार्यालय से जुलूस निकालकर शहीद के प्रतिमा पर फूलमाला चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। हाँ बिल्कुल, कहना चाहेंगे शहीद नेपाल रवानी हमारे लिए आदर्श हैं, हमारे लिए मार्गदर्शक है और इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये जुझारू क्रांतिकारी रहे हैं, आज झारखंड की जनमानस को इन्हें अनुसरण करना चाहिए। इनके बारे में जब पढ़ता हूँ तो अवाक रह जाता हूँ। एक मुझे लगता है ये एक विचित्र शख्स थे, ये मैंने कह सकता है एक अवतारी पुरुष थे। इनके बारे में कहा जाता है कि जब पहली बार इन पर हमला हुआ था तो डॉक्टरों ने भी इन्हें मृत घोषित कर दिया था, लेकिन जब पोस्टमार्टम के सामने गए ये जीवित हो गए थे। उसके बाद फिर इन्होंने अपने आंदोलन को जारी रखा और आज के दिन 25 फरवरी 1990 को बालू माफियाओं के द्वारा इनकी हत्या की गई थी। तो आज बेशक उनकी हत्या की गई, उनका शरीर हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी विचारधारा आज भी हमारे बीच है और उनकी विचारधारा आज भी हमें माफियाओं के खिलाफ लड़ने के लिए बल देता है। और आज कहीं ना कहीं झारखंड के निर्माण में आदरणीय परम आदरणीय शहीद नेपाल रवानी जी का अहम अमिट योगदान रहा है। वे अपने कार्य शैली से इतने प्रभावित थे कि उन्हें विनोद बाबू के समर्थन प्राप्त था और वे जिला के अध्यक्ष भी बने थे। तो कहीं ना कहीं ऐसे महापुरुषों के सामने जब भी आते हैं तो हम भी गदगद हो जाते हैं और उन्हें अनुसरण करने के साथ साथ एक ऊर्जा और बल मिलता है। आज के युवा जो है, झारखंड के आज के युवा आपको अपना आइडल मान रहे हैं, तो आप अपने आंदोलन को लेकर युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? मैं युवाओं से संदेश यही देना चाहूँगा, क्योंकि आज सभी राज्यों की अपनी अपनी पहचान है, सभी राज्यों के लोगों के लिए कुछ ना कुछ नीति नियम है, कुछ ना कुछ स्थानीयता है, झारखंड के लिए कुछ भी पहचान नहीं बन पाई है। और यूथ सबसे ज़्यादा यूथ ही धोखे में रहेंगे, पढ़ने वाले एमए बीए पीएचडी करने वाले यूथ लगातार बेरोजगारी पलायन का शिकार हो रहे हैं और अतिक्रमण विकसित राज्यों के लोग यहाँ पर रोजगार पा रहे हैं, ये अन्याय है। इसीलिए मेरा यूथ को संदेश होगा कि आज आपको पढ़ाई के साथ साथ लड़ाई को भी लड़ना होगा, तभी झारखंड का जो निर्माण था, चाहे विनोद बाबू का सपना हो, निर्मल दाह का हो, नेपाल रवानी जी का हो, वो सपना तभी शहीदों का पूरा होगा जब हमारे यूथ चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि यूथ अगर नहीं समझेंगे, यूथ के भरोसे उन्होंने झारखंड के सपने को सृजन किया था, तो यूथ को मैं चाहूँगा वे आगे आए, अगुवाई करे और झारखंड को नव झारखंड बनाए जहाँ पहले झारखंड की बात होगी। सर, झारखंड के युवा वैसे युवा जिन्होंने अपना मतलब पढ़ाई लिखाई को लेकर मतलब सारा जिंदगी जो है झारखंड में व्यतीत किया, उन्हें अपने फ्यूचर को लेकर कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, इस पर क्या कहना? देखिए, मैं तो बार बार कहता हूँ, मैं बेमनस्यता की बात कभी नहीं करता हूँ, मैं हमेशा अमन चैन शांति की बात करता हूँ। यदि कुछ परिवार ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो झारखंड के भूभाग में सदियों से रहते हैं और इस यहाँ के अलावा उनका कहीं नहीं है, तो सरकार उस पर सर्वे करे, उन्हें जो भी परसेंटेज बनता है, मुझे लगता है 5-7 इससे ज़्यादा नहीं होगा, अगर उतना भी होता है सरकार उन्हें एक बिना खतियान के भी 5% रिजर्व दिया जाए, उसके लिए हमें कभी आपत्ति नहीं करेंगे। लेकिन मूलतः झारखंड वही है जो खतियानधारी है। अगर ऐसे लोग हैं जो बिना खतियान के भी अगर सदियों से रहते हैं और उनका झारखंड के अलावा कहीं जमीन नहीं है, तो उनको हम स्वीकार करेंगे, लेकिन उन लोगों को स्वीकार नहीं करेंगे जो दोहरी आइडेंटिटी से रहते हैं। जैसे सरयू राय, वे विधायक और मंत्री रहते हैं झारखंड में, उनकी पुत्रवधू मुखिया लड़ती है बिहार में। तो ये अन्याय है, ये बेमनस्यता है, ये संविधान का उल्लंघन है, दो राज्यों में आप आइडेंटिटी नहीं रख सकते, ये कानूनी प्रक्रिया है। तो उन लोगों को हम स्वीकार नहीं करेंगे जो यहाँ भी रहते हैं और अन्य राज्यों में भी अपनी स्थानीयता को परिभाषित करते हैं। जो लोग यहाँ के रह गए हैं, यहाँ बस गए हैं, यहाँ के अलावा उनका कहीं कुछ भी नहीं है, वे लोग सरकार सर्वे करें, उन्हें हम सर स्वीकारेंगे। लंबा सफर में बात करने के लिए आपका धन्यवाद। जी, आज गोधर के नेपाल रवानी चौक आज पहुंचे हैं आप, इसका क्या कारण? आज कारण है कि देखिए, एक महान इस क्षेत्र का एक महान व्यक्ति थे नेपाल रवानी जी, उनके 25वां शहादत दिवस पर उपस्थित थे, उनके स्टैचू पर माला अर्पण कर करके उनको सच्चा श्रद्धांजलि दिए।
और सम्मान दिए और याद किए हैं, और आपके चैनल के माध्यम से बताना भी चाहते हैं कि शहीद नेपाल रवानी जी एक गरीबों के रहनुमा थे, गरीबों के जो है वह हितैषी थे, और गरीबों और मजदूरों के दुख सुख में हमेशा जो है साथ रहते थे, चाहे किसी प्रकार का हो, हमेशा से मदद हेल्प हर तरीका से करते रहते थे। इसी बीच ने यहाँ के लोकल माफियाओं ने के द्वारा जो उनका निर्मम हत्या कर दी गई, इसका मैं आपके चैनल के माध्यम से विरोध भी करते हैं, और अब तक जो है वह स्वर्गीय नेपाल शहीद नेपाल रवानी जी के अपूर्णीय क्षति हुई। आज तक वैसा नेता गोधर्म नहीं मिला जो गोधर के गरीब को और मजदूरों के दुख सुख में उसको आगे लेकर के साथ चल सके। सर आपका परिचय? मैं कुमार अंकेश राज पप्पू साहब, वर्तमान में वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 27 और मेयर प्रत्याशी।